असलम वाले ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में खुश पिछले लेक्चर में जो कुछ पढ़ा था उसका कुछ रिव्यू हमने बेसिकली स्टार्ट किया था एबस्ट्रेक्ट कॉन्सेप्ट से इस सीरीज के इस कोर्स के स्टार्ट में हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट जो है एब्स्ट्रेक्टॉन्ड कॉन्सेप्ट के भी, को भी कोरस्पॉन्ड कर सकता है जिसमें हमने पर्सन की एग्जाम्पल देखी थी शेप की एग्जाम्पल देखी थी दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हमें रियल लाइफ में कोई रियल एंटिटी नजर नहीं आती कंक्रीट एंटिटी नजर नहीं आती है अब हम जब सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो एब्स्ट्रेक्ट कॉन्सेप्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट करें क्लास हमने बना ली अगर क्लास बना ली है तो उसके अगेंस्ट हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशियट करवा सकते हैं और हमने कहा था सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली रियल एंटिटीज को कंक्रीट एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग एन्वायरमेंट में सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो दिस इज सजेस्टिंग रियल लाइफ में कोई कंक्रीट एंटिटी मौजूद है जो कि इनफेक्ट नहीं है तो C प्लस प्लस कोई ऐसा मैकेनिज्म देती है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकें और वो हमने देखा था कि C प्लस प्लस एबस्ट्रेक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट देती है ऐसी क्लास जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कोड कर रही है लेकिन उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने देते C++ में एब्स्ट्रेक्ट क्लास उस वक्त बनती है जब उसका कोई भी मेम्बर फंक्शन प्योर वर्चुअल कर दिया जाए वर्चुअल फंक्शन हम पहले देखा हुए हैं प्योर वर्चुअल सेंटेक्स हमने पिछली दफा देखा था कि प्रोटोटाइप के बाद अगर हम इज इक्वल टू जीरो लिख दें तो वो मेंबर फंक्शन प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन बन जाता है सो so, जिस क्लास में एक या एक से जायद प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन हो वो एबस्ट्रेक्ट क्लास है और उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता कंपाइलर एरर देता है कंपाइल टाइम एरर प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने देखा था उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हम इंटरफेस को इनहेरिट करें इंप्लीमेंटेशन को इनहेरिट ना करें एज अ वर्चुअल फंक्शन यूज होते थे जब हम इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन दोनों को इनहेरिट करना चाह रहे हैं और हमने जो एग्जांपल देखी थी वो शेप क्लास की हायरार थी शेप इज एन एबस्ट्रेक्ट कॉन्सेप्ट जिसके अगेंस्ट हमने एब्स्ट्रेक्ट क्लास शेप बनाई और उससे तीन कंक्रीट क्लासेस हमने डिराइव की थी लाइन सर्कल और ट्राइंगल लाइन सर्कल और ट्राइंगल कंक्रीट क्लासेस हैं इसलिए कि रियल लाइफ में हमें कंक्रीट एंटिटी लाइन भी मिलती है सर्कल भी मिलती है ट्राइंगल भी मिलती है एंड मैनी अदर शेप्स सो कंक्रीट क्लासेज वो हैं जिनमें कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है इसीलिए वो कंक्रीट क्लासेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंशियट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने इंटरफेस और इम्पलीमेंटेशन इन की एक एग्जांपल देखी थी और फिर उसी एग्जांपल को हम आगे लेके चले थे कि C++ में पुलिस मोफिज्मी इंप्लीमेंट कैसे होती है और हमने वी टेबल या वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट देखा जो कि नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल दी कंपाइलर पोलिमोफिज को इसी तरह इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल टेबल इज नथिंग बट एन ए ऑफ पॉइंटर्स टू वर्चुअल फंक्शंस हर वर्चुअल हर क्लास जिसमें वर्चुअल फंक्शंस हैं, चाहे वो सिंपल वर्चुअल फंक्शंस हों या प्योर वर्चुअल फंक्शंस हों, उनके अगेंस्ट कंपाइलर एक वर्चुअल टेबल बनाता है और उस वर्चुअल टेबल में बेसिकली प्वाइंटर टू दीज वर्चुअल फंक्शन होते हैं अगर क्लास में वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो वो फंक्शन इस वर्चुअल टेबल में नहीं होंगे और फिर हमने डिटेल में देखा था कि कैसे पोलिमोफिकली अगर किसी फंक्शन को कॉल किया जाए तो बेसिकली दो या तीन इनडायरेक्शंस होती हैं पॉइंटर्स इनडायरेक्शंस। उनके जरिए अप्रोप्रिएट फंक्शंस कॉल किया जाता है फंक्शन दैट बिलोंग्स टू ए क्लास

पोलिमोफिकली कॉल होना है सो दिस इज एन ओवर हैड स्पेस ओवर हैड टाइम ओवर हैड सो आपको जब आप क्लासेस बना रहे हों हर फंक्शन को वर्चुअल नहीं करना चाहिए सिर्फ उन्हीं फंक्शन को वर्चुअल कीजिए जहां पर आपको पता है आपने इस फंक्शन को पोलिमोफिकली यूज करना है वरना कोड का साइज बढ़ जाएगा और कोड की एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी आइए अब आज के लेक्चर की तरफ आते हैं जब हम इसी टॉपिक को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटी सी केस स्टडी करते हैं ये केस स्टडी हम कर रहे हैं पोलीमोफिज्म को समझने के लिए जो पहले हमने किया था उसकी कंक्रीट एग्जांपल देखने के लिए ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ता हूं और आप इसे जरा गौर से सुनिए और देखिए भी डिवेलप सिंपल पेरोल एप्लीकेशन देर आर थ्री काइंड ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस्टम सैलरीड इम्प्लॉयिज वरली एम्प्लॉज एंड कमीशन एम्प्लॉज दिस्टम टेक्स एज इनपुट एंड एरे कंटेनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कैलकुलेट सैलरी पोलीमोर्फिकली एंड जनरेट रिपोर्ट यह स्टेटमेंट जो है काफी लूज स्टेटमेंट है और अक्सर औकात जब आ, किसी को प्रोग्राम करने को दिया जाता है या कोई सॉफ्टवेयर हाउस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी क्लाइंट से तो क्लाइंट स्टार्ट में इसी तरह की वेग 30,000 फीट हाई पिक्चर सी देता है सॉफ्टवेयर वेंडर को इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके अगर मैं एक डिजाइनर हूं मैं कुछ नहीं कर सकता आई हैव नथिंग बट क्वेश्चन एंड कम क्वेश्चन अबाउट दिस स्टेटमेंट और अगर मैं आपको कहूं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीजिए और इसके अगेंस्ट कोड लिख दीजिए तो शायद आप भी ना लिख सके और मोस्ट प्रोबेबली आप भी नहीं लिख सकेंगे और अगर आप लिखेंगे तो आप में से हर एक स्टूडेंट एक अलग-अलग सही जवाब लेके आ जाएगा इसलिए कि ये स्टेटमेंट प्रिसाइज नहीं है एम्प्लॉयज दिए गए हैं थ्री काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं सैलरीड एम्प्लॉयज ये नहीं बताया गया सैलरीड इंप्लॉय का क्या मतलब है आवर्ली एम्प्लॉय का क्या मतलब है कमीशन एम्प्लॉय का क्या मतलब है अब जब हमें यही नहीं पता इनकी डेफिनेशन क्या है कि तो हम इनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्लाइंट से एज ए डिजाइनर क्लाइंट से पूछना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय ये सैलरी एम्प्लॉय एंड व्हाट इज मेंट बाय कमीशन एम्प्लॉय उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या आप हमसे यह चाहते हैं कि हम उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो बताए या नेट सैलरी बताएं यह भी कहीं यहां पे वासे नहीं है अब अगर आप क्लाइंट से यह क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हो सकता है आप ग्रॉस सैलरी लेके जाएं जो आप सॉफ्टवेयर बनाएं वो ग्रॉस सैलरी जो है वो रिपोर्ट करे और वो एंड में आपको कहे नहीं जी मुझे तो नेट सैलरी चाहिए थी सो यू रीड दीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट देट आर गिवन टू यू वेदर वर्बली और रिटर्न गो ओवर इट थॉरोली मैनी टाइम्स राइट डाउन दी क्वेश्चन दैट कम टू योर माइंड एंड पुट दिस क्वेश्चन अक्रॉस टू द्लाइंट उनसे उनका जवाब दीजिए ताकि कोई चीज एम्बिगुस न रह जाए सो so, वो जवाब मैं आपको यहां पर सप्लाई करता हूं सैलरीड एंप्लॉय से यहां पर मुराद वो एम्प्लॉय है जिन्हें महीने के आखिर में तनखा दी जाती है हालांकि सैलरीड इंप्लाइज की भी काफी किस्में हो सकती हैं लेकिन हम सिर्फ वही ले सकते हैं वो एम्प्लॉय भी सैलरीड होते हैं जिन्हें वीकली पे दी जाती है वो भी सैलरीड होते हैं जिन्हें बाई वीकली दी जाती है और वो भी हैं जिन्हें मंथली दी जाती है यहां पे हम ये मुराद ले रहे हैं कि जिसे महीने के आखिर में तनखा दी जाती है लमसम तनखा दे दी जाती है आवरली एम्प्लॉय वो है जिसको ऑन एन पर आवर बेसिस पेमेंट की जाती है उसने जितना काम किया जितने आवर्स काम किया हर आवर के उसे एक खास अमाउंट दी जानी है तो उसकी सैलरी यूं कैलकुलेट होगी जितना उसने काम किया और पे पर आवर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सैलरी निकल आएगी और कमीशन एम्प्लॉ वो एम्प्लॉय है जो कि बेसिकली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर आप इतना अमाउंट की चीजें सेल करोगे तो आपको इतने परसेंट उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा और नॉर्मली ये टीएड होता है जो कि के इस केस में नहीं लिया जा रहा है इस केस में स्ट्रेट ये है कि अगर आप एक्स अमाउंट सेल करोगे एक्स अमाउंट के प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें आपको टेन परसेंट कमीशन दिया जाएगा सो अगर आपने सौ रुपए के प्रोडक्ट सेल किया तो आपको ₹10 कमीशन दिया जाएगा और यही आपकी सैलरी होगी सो so ये डिटेल है कुछ कि व्हाट इज सैलरी पर्सन एंड व्हाट इज आवरली वेज वर्कर एंड व्हाट इज ए कमीशन एम्प्लॉय नाउ कम टू सैलरी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी इनकी हमने नेट सैलरी बतानी है सो ग्रॉस सैलरी माइनस द टैक्स जितना गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है ग्रॉस में से निकाल के नेट सैलरी जो है वो पता नहीं और प्रोग्राम एक्चुअल ये है जो ड्राइवर प्रोग्राम होगा कि इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोग्राम के बीच में नॉर्मली आप उसे एरे में ही रखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है और तरीके भी हैं रखने के और फिर उस एरे के ऊपर प्रोग्राम इटरेट करता है और हर एक की सैलरी रिपोर्ट कर देता है नाम ये है और उसकी नेट सैलरी ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके अगेंस्ट आपने प्रोग्राम देखना इसी अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर कीजिए तो यहीं पे आपको नजर आ जाएगा कि हरारकी क्या है ऑब्जेक्ट्स की या क्लासेस की तो so, हमारे पास देखें देर आर थ्री काइंड ऑफ एम्प्लॉय और बहुत पहले लेक्चर में कहा था कि जहां पे स्टेटमेंट में काइंड kind ऑफ of की स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब है ये पब्लिक डेरिवेशन है हायर बन रही है वन क्लासेस इनहेरिटिंग फ्रॉम एन क्लास जी एम्प्लॉय जो है दैट इज देश क्लास ऑफ हायर और उससे तीन क्लासेस इनहेरिट की हुई हैं सेलरीड इम्प्लॉय

हमने सिर्फ एंट्रीब्यूट जो इम्प्लॉय क्लास के शो किए हैं जिनसे हमें कंसर्न है वो है उसका नाम और टैक्स रेट क्या है उस एम्प्लॉ का इट इज अ रेट और उसके दो सिर्फ मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे शो किए हैं गेट नेम और कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेट सैलरी इज अ वर्चुअल फंक्शन टू बी मोर एग्जैक्ट इट इज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल जो आपको सैलरीड एम्प्लॉय होता है या आवरली एम्प्लॉय है या कमीशन एम्प्लॉय है नाम जो है हमने इसका कंपोज किया है स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग की क्लास हम बहुत पहले देखाए हुए है हैं और पूरा हमने उसे कोड किया था उसके एक एक फंक्शन को सो एम्प्लॉ क्लास इज कम्पोज ऑफ स्ट्रिंग क्लास नेम इज ए स्ट्रिंग सैलरीड क्लास के लिए सैलरीड इंप्लॉय के लिए हमने सिर्फ डेटा मेंबर सैलरी रखा है क्योंकि उसको लमसम सैलरी मिल होती है और उसका जो मेंबर फंक्शन जिसे हमें कंसर्न है जो शो कर रहे हैं वो कैलकुलेट सैलरी है आवरली एम्प्लॉय के लिए दो डेटा हैं कितने आवर्स उसने काम किया और आवरली रेट क्या है यानी उसे कितने रूपीज पर आवर के हिसाब से पे किया जाएगा और कमीशन एम्प्लॉय में अगेन उसने कितनी सेल्स की है दिन सेल की है और उसके ऊपर कमीशन रेट क्या था और तीनों के तीनों कैलकुलेट सैलरी को ओवर कर रहे हैं ये इम्प्लॉ क्लास का कोड है स्ट्रिंग नेम एम्प्लॉय का नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है ये कंपोजिशन यहाँ पे आ रही है जो हमने पढ़ी थी काफी पहले और टैक्स रेट डबल है उसका इंटरफेस में उसका कंस्ट्रक्टर है जो के नाम लेता है और टैक्स रेट लेता है डबल में गेट नेम गेटर फंक्शन है जो के नाम की स्ट्रिंग को रिटर्न करता है और प्योर वर्चुअल फंक्शन कैलकुलेट सैलरी है जो के अमाउंट रिटर्न करता है डबल ये उसका कंस्ट्रक्टर है सिंपल सा कंस्ट्रक्टर पहले आप देख आए हुए हैं नेम का जो एट्रीब्यूट है उसके जरिए हम स्ट्रिंग क्लास का बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसको पैरामीटर एन पास कर रहे हैं और टैक्स रेट जो है जो भी आ, आया है टीआर आर उससे उसको असाइन कर रहे हैं गेट नेम का फंक्शन सिंपल फंक्शन है वो स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है सैलरीड एम्प्लॉज पब्लिकली डिराइव फ्रॉम एम्प्लॉ इसका डेटा मेंबर प्राइवेट डेटा मेंबर डबल सैलरी और अगेन इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि नाम लेता है टैक्स रेट लेता है और सैलरी लेता है उस, और उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और ये फंक्शन ओवरराइट कर रहा है कैलकुलेट सैलरी को अगर आप यहां पे देखिए तो ये फंक्शन कैलकुलेट सैलरी एम्प्लॉय के प्योर वर्चुअल फंक्शन को सो कॉल्ड नॉन प्योर कर रहा है इसके प्रोटोटाइप में इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसलिए इसकी बॉडी भी दी जाएगी यहाँ पे ताकि ये कंक्रीट क्लास बन सके और हम इसके ऑब्जेक्ट इंसेंशिएट करवा सकें ये कंस्ट्रक्टर है सिंपल इनफ कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं यहां पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉ क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है जिसको नेम और टैक्स रेट पास किए जा रहे हैं एज ए पैरामीटर और जो सैलरी है वो असाइन की जा रही है इसी तरह कैलकुलेट सैलरी जो है जो आप स्क्रीन के लोअर हाफ में देख रहे हैं वो सिंपल कोड है उसका सिंप्लीफाई ही रखा है हमने सैलरी मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट दिस इज टोटल टैक्स दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी और जो नेट सैलरी बन रही है वो सैलरी माइनस दिस टैक्स लास्ट लाइन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सिंपल इनफ टैक्स रेट दिया हुआ है इससे सैलरी से इम्प्लॉय की सैलरी से मल्टीप्लाई कीजिए आपका टैक्स आ जाएगा ग्रॉस सैलरी में से टेक्स माइनस कर दीजिए नेट सैलरी आपके पास आ जाए आवरली एम्प्लॉ इसके दो डेटा में आवर्स और आवरली रेट इंट नंबर ऑफ आवर्स आवर्स जो है वो उसकी टाइप इंट है हम यहाँ पे फर्दर रिज्यूम कर रहे हैं कि वो वन आवर काम करता है टू आवर्स काम करता है हम टू पॉइंट थ्री आवर्स को एंटरटेन नहीं कर रहे है यहां पर और आवरली रेट डबल में दिया गया है इसका एक कंस्ट्रक्टर है आवरली एम्प्लॉय का पहला पैरा मीटर जो है वह नाम है दूसरा पैरा मीटर डबल जो है वो टैक्स रेट है तीसरा पैरामीटर इन टाइप का वो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है चौथा पैरा मीटर डबल वो आवरली रेट है और दूसरा मेंबर फंक्शन जो उसका शो, शो किया गया है अगेन वो कैल्कुलेट सैलरी है डिफरेंट तरीका है आवरली एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करने का ओवर राइड कर रहा है प्योर वर्चुअल फंक्शन को ये इसका कंस्ट्रक्टर है सिंपल इनफ कंस्ट्रक्टर इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है ये कैलकुलेट सैलरी यहां पे हम उसका दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ग्रॉस पे और टैक्स हम ग्रॉस पे उसकी कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाई आवरली रेट जितने घंटे उसने काम किया मल्टीप्लाइड बाई जो रेट है पर आवर वर्क का ये ग्रॉस सैलरी आ गई इस ग्रॉस सैलरी को जब हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा और फिर हम ग्रॉस पे में से टैक्स माइनस करके नेट सैलरी रिटर्न कर देंगे कोड हमने चीजों का सिंपल इनफ रखा है सीबीआर वालों के लिए इट इज टू सिंपलीफाइड जी उनके लिए तो स्लैब्स आएंगे अगर इतनी पे है तो आप इस स्लैब में लाई कर रहे हो तो अगर उतनी रेट है तो दूसरे स्लैब में चले गये सो वन एंड सो फोर हमने अपना काम सिंपल एनफ रखा है सो देट मोटल स्कैन ब्लिकली डिराइड फ्रॉम एम्प्लॉ क्लास इसके दो डेटा हैं प्राइवेट डबल सेल्स कितना अमाउंट उसने सेल किया प्रोडक्ट का और कमीशन रेट ये भी डबल है इसका कंस्ट्रक्टर है जो चार पैरामीटर लेता है नेम ऑफ दी एम्प्लॉ टैक्स रेट अमाउंट सोल्ड और कमीशन रेट और दूसरा फंक्शन कैलकुलेट सैलरी का जो कि ओवरराइट कर रहा है प्योर वर्चुअल फंक्शन को एम्प्लॉ के कंस्ट्रक्टर सिंपल इनफ है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है और ये कैलकुलेट सैलरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ग्रॉस पे इज सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कमीशन रेट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अगर उसने सौ रूपये का प्रोडक्ट से सेल किया है और टेन कमीशन रेट है तो उसे दस रूपये उसकी ग्रॉस पे होगा और टैक्स जो है दैट इज ग्रॉस पे मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट पहले भी हमने ये देखा और नेट पे उसकी ग्रॉस पे माइनस टैक्स ये हमारा मेन प्रोग्राम है लास्ट लाजमी बात है रियल लाइफ में इम्प्लॉज जो हैं वो हो सकता है किसी फाइल में आपको दिए हुए हों उनका नाम दिया हो टैक्स रेट बताया हो और उसकी सैलरी या नंबर ऑफ आवर्स आवरेट वगैरह बताए हों यहां हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एरे ऑफ पॉइंटर्स टू एम्प्लॉ डर किया है एम्प्लॉज स्टार ई एम पी टेन तो वी हैव एन एरे दैट कैन स्टोर प्वाइंटर्स टू टेन एम्प्लॉज एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करवाया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है डायनामिकली सैलरीड इंप्लॉयी टाइप का उसका नाम हमने आमिर रखा है टैक्स रेट फाइव परसेंट रखा है और उसकी सैलरी जो है क्योंकि ये सैलरीड एम्प्लॉय है पंद्रह हजार रूपए पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉ के इंडेक्स वन के ऊपर जो सेकंड एम्प्लॉय हम डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं वो आवरली आवर् इम्प्लॉय टाइप का है उसका नाम यहाँ पे हम पास कर रहे हैं फाखिर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इज दस दैट इज सिक्स टैक्स लगता है आवरली एम्प्लॉय के ऊपर एक घंटे उसने काम किया है और पचास रूपये पर घंटे के हिसाब से उसे पेमेंट की जाती है तीसरा एम्प्लॉ कमीशन टाइप का है फुवाद उसका नाम है 4 परसेंट उसका टैक्स रेट है एक लाख पचास हजार के वो प्रोडक्ट सेल करता है और उसे 10 परसेंट कमीशन दिया जाना है। बाकी जो एम्प्लॉज हैं, वो इसी तरह आप क्रिएट करके डाल सकते हैं और उसके बाद हमने एक मेथड कॉल किया है जनरेट पेरोल का जिसको ये एरे ऑफ प्वाइंटर्स टू एम्प्लॉइज पास की जा रही हैं और उस एरे का साइज बताया जा रहा है कि टोटल टेन एम्प्लॉयज हैं। यह जनरेट एम्प्लॉय का कोड। पोलिमोफिकली ट्रीट करने के लिए हमने जनरेट पेरोल का जो पहला पैरामीटर है आर्गुमेंट है वो एम्प्लॉज स्टार टाइप का रखा है दैट इज इट एन एरे इट इज एन एरे ऑफ प्वाइंटर्स टू एम्प्लॉय जो हमारी प्योर एबस्ट्रेक्ट क्लास थी बेस क्लास एब्सट्रेक्ट बेस क्लास एम्प्लॉ उसका ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है और दूसरा पैरामीटर साइज का है जी ये प्रोटोटाइप जो आपको नजर आ रहा है यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इसे पोलिमोर्फिकली ट्रीट कर रहे हैं और जो इसे पिछली स्क्रीन के ऊपर आपने एरेज ऑफ एम्प्लॉज देखी थी दूसरा जो आपको हिंट मिल सकता था वो हमने एम्प्लॉ की एरे जो थी उसकी टाइप से मिल रहा था कि एरे की टाइप पॉइंटर टू एंप्लॉय है लेकिन उसमें हम जो एम्प्लॉय क्रिएट करके रख रहे हैं जिनके पॉइंटर वो सारे उससे डिराइव्ड क्लास के हैं सैलरीड एम्प्लॉ कमीशन एंप्लॉय आवरली एम्प्लॉय ये तीन कंक्रीट इंप्लॉयज है और कंपाइलर कोई एरर भी नहीं दे रहा अभी तक वजह से डिराइव क्लास डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आवरली इंप्लॉई इज ए काइंड ऑफ इंप्लॉई सिंस रिलेशनशिप इज इज ए काइंड ऑफ कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिराइव क्लास के पॉइंटर को कन्वर्ट कर देता है बेस्ट क्लास के पॉइंटर में और यह हम पहले देखा है और इसी वजह से अब हम ये जनरेट पे रोल का मैथड जो है ये लिख सके हैं और इसमें हम जो कोड लिखेंगे वो पोलिमोर्फिकली इंप्लाइज को ट्रीट कर रहा होगा बिकॉज ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस कोड सिंपल एनफ है सबसे पहले हम पहली लाइन जो है वो एक किस्म का हेडर प्रिंट कर रहे हैं नेम और नेट सैलरी और उसके बाद हम फॉर का लूप लगा रहे हैं साइज के ऊपर उसे इटरेट करा रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर हम दो चीजें डिस्प्ले करा रहे हैं हम गेट नेम कॉल करते हैं ई आई गेट नेम द्लॉय एरे के आई एथ इंडेक्स के ऊपर जॉन सा भी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वहां से गेट नेम कीजिए उस एम्प्लॉय का नेम लीजिए और प्रिंट करवाइये स्क्रीन के ऊपर और दूसरा उसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट सैलरी मेथड कॉल कीजिए और उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखा दीजिए अब जब जीरो थ इंडेक्स एम्प्लॉय के ऊपर हमने कॉल किया गेट सैलरी को तो वो बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल हुआ और इसी तरह आवरली एम्प्लॉय का और इसी तरह कमीशन एम्प्लॉय के गेट सैलरी का फंक्शन कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन कॉल हुआ पोलिमार्फिकली हमें यहां पे कोई स्विच स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट नहीं लगाना पड़ी और यही ब्यूटी भी इस पोलिमोरफिज्म की है और यही इसका बेनिफिट भी है ईज ऑफ कोट करते तहत अगर हम सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर लें और उसके कोरिस्पोंडिंग अपनी क्लास हर बना लें तो हम बड़ी आसानी से कोड लिख सकते हैं जो कि रन टाइम के ऊपर खुद ही डिसाइड कर ले कि ये कैलकुलेट सैलरी किस क्लास का मेथड कॉल किया जाना यह आउटपुट आएगी इस सैंपल कोट की आमिर ये उसकी नेट सैलरी है फाखिर जो कि आवरली एम्प्लॉय है उसकी ये नेट सैलरी है फवाद जो कि कमीशन एम्प्लॉय है उसकी ये नेट सैलरी सो ऑन एंड सो ऑल सो सिंपल एंड ऑफ कोड इट वॉज ऑल मेड पॉसिबल ड्यू टू दिस मावुलस मैकेनिज्म ऑफ पोलिमोफिज्म इन टर्न इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल टेबल आपको वो कोड नजर नहीं आया लेकिन कंपाइलर ने वो कोड क्रिएट करके आपके कोड में अप्रोप्रिएट पॉइंट पे इंसर्ट कर दिया था बोली मोफिज इज वर्किंग ब्यूटीफुली ओवर हेयर यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पे री एम्फेसाइज करना चाहूंगा फिर मैं आगे जाना चाहूंगा ये जनरेट पेरोल का दोबारा से आप इसका प्रोटोटाइप देखिए यहां पर जो एम्प्लॉ का एरे है उसकी टाइप पॉइंटर टू एम्प्लॉई है ई एम पी एर एज टाइप पॉइंटर टू एम्प्लॉ और पोलिमोफिज आपको पता है एक्ट करती है बेस क्लास के पॉइंटर या बेस क्लास के रेफरेंस के जरिए हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये पोलिमोफि यही डायनेमिक बाइंडिंग है या जिसे डायनामिक डिस्पैच भी कहा गया था अगर तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैथड कॉल कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट की स्टैटिक टाइप है उसी के मुताबिक उसका मेंबर फंक्शन कॉल किया जाएगा लेकिन अगर वो पॉइंटर या रेफरेंस है तो तब डायनामिक बाइंडिंग और डायनामिक डिस्पैच एक्शन में आता है और जनरेट पे का पहला आर्गूमेंट जो है वो पॉइंटर टू एम एम्प्लॉ है इट इज नॉट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज एन अरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से पोलिमोफिज एक्शन में आ रहा है बाद दफा गलती हो जाती है हमसे शुरू शुरू में जब हम पोलीमोफिज्म सीखते हैं तो ये सटल पॉइंट कि पोलिमोफिज्म मस्ट वर्क विद पॉइंटर्स और रेफरेंस नॉट विद ऑब्जेक्ट इट सेल्फ और ये अक्सर हम भूल जाते हैं और जब भूल जाते हैं तो हम कुछ इस किस्म की हरकत करते हैं जो कि मैं अब आप आपको दिखाने जा रहा हूं नेक्स्ट सिनेरियो बेल्ट कर रहा हूं और जिसका टाइटल जो है वो मैं आप इस वक्त स्क्रीन पे अपनी देख भी रहे हैं कि नेवर यूज और नेवर ट्रीट एरेज पॉलीमॉर्फिकली। अभी हमने जो केस स्टडी देखा था उसमें हमने अरे को पोलिमोर्फिकली ट्रीट किया था लेकिन एक स्क्रीन के बाद ही आप कह रहे हैं नेवर ट्रीट ए रेपोलीमोर्फिकली तो यह कोई कॉन्ट्रोडिक्शन uh, ही नजर आ रही है एपेरेंटली इट इज सो बट लेट सी वॉट इज मेन बाई ट्रीटिंग ए रेपोलीमोिकली शेप की आयर आर की जो हमने पहले देखी थी आ, शायद पिछले लेक्चर में शेप की क्लास है उसके दो मेथड है ड्रॉ और कैलकुलेट एरिया और उसके बाद तीन कंक्रीट क्लासेस तीन क्लासेस है लाइन सर्कल और ट्राइंगल जो उससे डिराइव कर रही हैं। यहां पे की यह शेप की क्लास हमने एक्स्ट्रे क्लास नहीं बनाई ये देखिए शेप की क्लास इस लेक्चर के पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में यही हमारी शेप की क्लास थी जिसमें हमने उसे एक्स्ट्रेक्ट क्लास नहीं बनाया था डेटा मेम्बर्स हमें कंसर्न नहीं है उसका कोई कंस्ट्रक्टर है वर्चुअल मैथड ड्रॉ है और कैलकुलेट एरिया का भी वर्चुअल मेथड और जो ड्रॉ का मेथड है उसमें से सिर्फ हम इतना स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं कि ये शेप की क्लास का ड्रॉ मेथड है सी आउट शेप ये लाइन की क्लास का कोड है जो कि पब्लिकली डिराइव कर रही है शेप की क्लास से इसका पॉइंटर है जो कि दो पैरामीटर्स लेते हैं पॉइंट के स्टार्टिंग प्वाइंट और एंडिंग प्वाइंट लाइन का इसका कोड हमने नहीं दिखाया ड्रॉ का मेथड है जो कि ओवर कर रहा है शेप के मेथड को और सिंपली प्रिंट कर रहा है कि ये लाइन कि अगर ये लाइन प्रिंट होती है स्क्रीन के ऊपर इसका मतलब है क्लास लाइन का ड्रॉ मेथड कॉल इसी तरह सर्कल है और ट्राइंगल है जिसके कोड हमने ये दिखा रहे हैं आप पहले देख चुके हैं और ये देखिए ड्रॉ शेप्स का मेथड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इसमें जो गौर करने की चीज है वो इसके पैरामीटर है दो पैरामीटर है एक अंडरस्कोर शेप नाम की एरे है जिसकी टाइप शेप है सो शेप अंडरस्कोर शेप एरे पहला पैरामीटर मीटर एरे ऑफ शेप्स दूसरा पैरामीटर इस एरे का साइज क्या है और हम अपनी तरफ से इसकी बॉडी में फॉर का लूप लगा के इस एरे को इटरेट कर रहे हैं और ड्रॉ का मेथड कॉल कर रहे हैं सो ये ड्रॉ शेप इसलिए लिखा गया है कि इस शेप की जो एरे है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनका ड्रॉ मेथड कॉल किया जाए और स्क्रीन पे वो नजर आ जाए तो हमारा कुछ इंटेंट इस किस्म का बन रहा है कि अगर हमने ये ड्रॉ शेप्स यूज करना है तो हम एरे में डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देंगे और ये मेथड कॉल कर लेंगे तो अगर आईएथ इंडेक्स के ऊपर लाइन का ऑब्जेक्ट बढ़ावा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग के लाइन का ड्रॉ कॉल हो जाएगा पोलिमोर्फिकली लाइन का ड्रॉ कॉल हो जाएगा दिस इज वट आई एम होपिंग बाई राइटिंग दिस कोड लेट मी अगेन से आई हैव रिटर्न दिस कोड इन दी होप दैट दफ ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड पोलीमोर्फिकली एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड पोलिमोर्फिक ये देखिए कोट छोटा सा स्नाइपेट है कि मैं शेप की अरे क्रिएट कर रहा हूं उसका साइज टेन है और उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख रहा हूं और इसी तरह उसे इनिशलाइज करवा रहा उसे रख रहा हूं उसमें वन एथ इंडेक्स के ऊपर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के शेप टाइप का रख रहा हूँ और इसमें 10 ऑब्जेक्ट शेप के क्रिएट करवा के मैं रख रहा हूँ और उसके बाद ये ड्रॉ शेप्स का मेथड कॉल करता हूं उसको एर ए पास करता हूँ साइज 10 पास करता हूँ और होप कर रहा हूं कि शेप के ड्रॉ मेथड कॉल हो जाएंगे एंड लो एंड बिहोल्ड होल्ड शेप के ड्रॉ मैथड कॉल हो रहे है और स्क्रीन के ऊपर वो शेप 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 लिखा हुआ तो यहां तक तो काम ठीक चल रहा है दूसरा कोड स्नाइपेट मैं लाइन का एरे वो बिल्ड करना चाह रहा हूँ और उसे लाइन के ऑब्जेक्ट से आ, मैं असाइन करना चाह रहा या इनिशियलाइज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है सो so, पहली कोड का जो लाइन है वो मैं p1 p2 p3 p4 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था हमारे पास पॉइंट की कोई क्लास मौजूद है दिखाई नहीं थी बट वी कैन सेफली एज्यूम की एक पॉइंट की क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट इंसटेंशियट करवाए जा सकते हैं तो पहली लाइन में हम वो पॉइंट इंस्टेंशियट करवा रहे हैं दूसरी लाइन में हम एरे ऑफ लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका साइज टेन है लाइन अंडर स्कोर लाइन टेन और तीसरी चौथी और आगे जो लाइन्स है उसमें हम इस एरे के आ, जो इंडेक्सेस है जीरो फर्स्ट सेकेंड वगैरह उसमें नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के लाइन टाइप के वो असाइन करवा रहे हैं ताकि डिफरेंट लाइंस उसमें हों एक लाइन P1 P2 तक जा रही है दूसरी लाइन P3 से P4 तक जा रही है सो ऑन एंड सो फॉर और उसके बाद ड्रॉ शेप्स का मेथड कॉल कर रहे हैं और उसे ये एरे ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं और उसका साइज टेन भी बता रहे हैं यहां पे हम होप कर रहे हैं कि अगेन ड्रॉ शेप्स का मेथड जो है पॉलीमॉर्फिकली लाइन के ड्रॉ मेथड को कॉल करेगा यहां तक कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा हम लाइन का एरे पास कर रहे हैं ड्रॉ शेप्स में अभी हमने देखा था और इस बात को हमने एम्फेसाइज भी किया था उसका पहला पैरामीटर जो है दैट इज एन एरे ऑफ शेप्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप शेप यहां पर जो आर्गूमेंट पास किया जा रहा है वह है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लाइन कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा इस वजह से एरर नहीं दे रहा लाइन इज ए काइंड ऑफ शेप एरे का नाम आपको पता है पॉइंटर होता है तो बेसिकली एरे का नाम अंडर स्कोर लाइन इसकी टाइप है पॉइंटर की तो इस पॉइंटर को वो रेडीली कन्वर्ट कर देगा पॉइंटर टू देश बेस बेस क्लास की एरे जो कि शेप्स में पैरामीटर है पहला पैरामीटर नाम पॉइंटर ही होता है एरे का नाम पॉइंटर ही होता है तो ये ऑटोमेटिक पॉइंटर कन्वर्जन हो गई इसलिए कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया तो अगर नहीं दिया तो नाओ आई आई एम मोर पॉजिटिव नाउ कि मेरा कोड रन टाइम पे चल भी जाएगा क्योंकि कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है और आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि अब हो क्या रहा है स्क्रीन so के ऊपर आप देख रहे हैं इस वक्त वो आउटपुट ऑफ दिस मेन प्रोग्राम है और आउटपुट बता रही है कि शेप क्लास का ड्रॉ मेथड कॉल हुआ है पहले ऑब्जेक्ट के लिए यानी शेप एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उसके लिए शेप क्लास का ड्रॉ मेथड कॉल हुआ है पहला शौक तो मेरे लिए ये है मैंने तो जब ड्रॉ शेप्स का मेथड कॉल किया था उसको आर्गुमेंट पास किया था एरे ऑफ लाइंस ऑब्जेक्ट एरे पास किया था जिसके सारे ऑब्जेक्ट जो थे उस एरे के वो लाइन टाइप के थे लेकिन ये मेथड कॉल हुआ है शेप का हाउ कम तो दिस इज फर्स्ट शॉक और जो दूसरी चीज जो कि मोर शॉकिंग है वो ये है कि प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर गया प्रोग्राम ग्रेसफुली कंप्लीट करके खत्म नहीं हुआ ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गई है रेट दस का मैंने पास किया था लाइन का आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहां पर दस दफा लाइन 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 लिखा आएगा यानी कि दस दफा लाइन ऑब्जेक्ट का ड्रॉ मेथड कॉल हुआ लेकिन यहां पे एक दफा शेप लिखा हुआ आया यानी कि शेप क्लास का ड्रॉ मेथड एक दफा कॉल हुआ और उसके बाद प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट करके ये क्या हुआ मैं तो एरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पॉलीमॉर्फिकली ट्रीट करवाने जा रहा था लेकिन ये तो रन टाइम एरर आ गई और अभी मैंने पंद्रह मिनट पहले भी पोली मोफिज्म की केस स्टडी देखी है उसमें भी मेरे पास एरे था इसमें और इसमें फर्क क्या है तो मैं आपको हिंट देता हूं ताकि आप सोचिए केस स्टडीज में जो हमारे पास एरे थी वो एरे ऑफ पॉइंटर टू इंप्लॉयज थी वहां पर इंप्लॉय क्लास की हायरार थी और हमने जो एरे बनाई थी वो एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंप्लाई थी यहां पे हमारे पास शेप की हाइआर थी लेकिन यहां पे जो एरे बनी थी जो कि पैरामीटर था मेथड का और मैं आपको फिर से दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर ये ड्रॉ शेप्स का जो मेथड था इसका जो पहला पैरामीटर है this is an array of objects of type shape this is not array of pointers to shape that is the main difference between the two bayley case it was an array of pointers to base class employee here it is an array of objects of type employee it is not a pointer to shapes it is an array of objects to shape that is the main difference जी गौर कीजिए जरा यही मेन डिफरेंस है लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है यू हैव टू डिग डीप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग जी कुछ देर में आया आपके इट इज ऑल इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे इंडेक्सिंग, और ये आपने पिछले कोर्स में पढ़ा है और इसी को भी थोड़ी देर पहले मैंने रेफर किया था द नेम ऑफ एन एरे इज एक्चुअली ए पॉइंटर टू दोकेशन ऑफ दरे टू दोकेशन इन मेमरी ऑफ दैट एरे जी थोड़ा सा याद कीजिए और कीजिए कंपाइलर एरे की इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करता है अगर आपने कहा है एरे जो है हमारी अंडर स्कोर शेप उसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है उसको मैंने एक्सेस करना है उससे मैंने डील करना है तो कंपाइलर उस एरे के इंडेक्स जो है सेकंड इंडेक्स विच इज द थर्ड एलिमेंट वहां तक पहुंचता कैसे यह तो आपको पता है कि जब भी एरे कंपाइलर एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करता हैं तो वो मेमोरी में कंटिग्युअस एरिया मार्क करता है उस एरे के लिए अगर तो वो कर सके वेल well गुड वरना वो एरर दे देगा सो so ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जब भी एरे के लिए मेमोरी एलोकेट की जानी है इर ऑफ द साइज ऑफ द एरे, द मेमोरी मस्ट बी कंटिग्युअस इंडेक्स जीरो से लेकर इंडेक्स हंड्रेड तक कोई होल नहीं होना चाहिए मेमोरी में कंटिग्युअस होनी चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए सो so, यूं एरे के लिए कंटिग्युअस मेमोरी दी जाती है एरे का नाम जो है दैट इज अ पॉइंटर टू द स्टार्ट लोकेशन ऑफ दिस ब्लॉक एरे अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो एरे का नाम जो है वो बेसिकली ए पॉइंटर टू दिस स्टार्ट मेमरी लोकेशन और जब हम कहते हैं अंडरस्कोर स्कोर शेप शे, इसका नाम और इसका इंडेक्स आयत इंडेक्स तो जो कैलकुलेशन हो रही है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है स्क्रीन पे देखिए आप स्क्रीन की आखिरी दो लाइनें सेकंड लास्ट लाइन अंडरस्कोर शेप आई डॉट ड्रॉ कंपाइलर अंडरनीथ कैलकुलेशन कैसे करता है कि आयत इंडेक्स पड़ावा कहां पे है? स्क्रीन के ऊपर अपर हाफ के लेफ्ट में देखिए शेप एरे का मेमोरी व्यू दिखाया गया है डॉटेड लाइन के जरिए ये एरे ऑफ सिर्फ फोर एलिमेंट यहां पे दिखाई गई पहला एलिमेंट शेप का जहां से स्टार्ट हो रहा है उसकी हमने मेमोरी एड्रेस जीरो 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 दिखाया और हमने दिखाया है शेप का ऑब्जेक्ट जो है वो टेन मेमरी में टेन लोकेशन लेता है साइज ऑफ शेप ऑब्जेक्ट इज टेन वर्ड्स सो एरे का दूसरा मेंबर जो है वो एड्रेस टेन पे पड़ा हुआ है जो उसका तीसरा मेंबर जो है वो एड्रेस ट्वेंटी पे पड़ा हुआ है और जो उसका फोर्थ एलिमेंट है वो एड्रेस थर्टी पे पड़ा ये कंटिगूअस लोकेशंस के ऊपर चार एलिमेंट शेप्स के पड़े हुए हैं इस एरे में सी प्लस प्लस कैल्कुलेशन यू करता है अंडरस्कोर शेप आई की स्क्रीन के ऊपर आखिरी लाइन देखिए लास्ट लाइन ये स्टेरिक्स ये मैं भी बताता हूं ये स्टेरिक्स किस लिए है स्टार्ट अंडरस्कोर शेप अंडरस्कोर शेप नेम ऑफ द एरे इट इज बेसिकली ए पॉइंटर टू दरे यानी कि शेप में जीरो 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 पड़ा हुआ है जहां पे एक्चुअली पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है एरे का नाम उस मेमरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। प्लस लेफ्ट पर्न्थ स्टार्ट आई मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ शेप शेप का जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है ये तरीका है उसे कैलकुलेट करने का साइज ऑफ जो है ये बेल्ट इन ऑपरेटर है जो कि लाइब्रेरी में दिया हुआ है सो so, अगर आप किसी भी साइज ऑफ विद इन दी पैरथिस टाइप दे देंगे तो वो आपको बता देगा कि मेमोरी में आ, ये कितनी लोकेशंस ये टाइप का ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर तो यहां पे ये बताया जा रहा है साइज ऑफ शेप शेप का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी जगह घेरता है मल्टीप्लाईड बाय आई दी आई एथ इंडेक्स एरे के आई इंडेक्स के ऊपर जहां पर हमने जाना है इससे उसको मल्टीप्लाई किया सो so, अगर हमने उसके इंडेक्स 2 पे जाना है 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस ट्वेंटी साइज ऑफ़ शेप जो कि एरे का नाम है उसमें जीरो जीरो पड़ा हुआ है तो ये बेसिकली जो इन दोनों चीजों का अगर आप जमा करें तो जवाब आया 20. सो so एड्रेस 20 के ऊपर ये कैलकुलेशन हमें बता रही है कि थर्ड एलिमेंट पड़ा है एरे में और आप स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या आपको थर्ड एलिमेंट एड्रेस 20 पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा पहला जीरो जीरो पर दूसरा 10 पर तीसरा 30 के ऊपर तीसरा 20 के ऊपर सो so, ये कैलकुलेशन ठीक हुई सो so, ये जो कैलकुलेशन हुई है ये 20 का जो एड्रेस मिला है नाउ दिस इज ए प्वाइंटर टू दी ये एड्रेस है जहां से शेप का ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जब भी हम पॉइंटर से डील करते हैं तो हमें पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ा है तो आखिरी लाइन के स्टार्ट में जो एस्टेरिक्स का निशान है वो ये बता रहा है कि इस एड्रेस 20 के एड्रेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं और उसका ड्रॉ मेथड कॉल करना चाह रहा हूं डॉट ड्रॉ कैलकुलेशन हो रही है जब हमने ड्रॉ शेप्स के मेथड को लाइन का पैरामीटर पास किया एरे ऑफ लाइंस पास की कंपाइलर ने फिर यही कैलकुलेशन की जो स्क्रीन के ऊपर बॉटम टू लाइंस आप देख रहे हैं भिजवाया तो अरे ऑफ लाइन लेकिन कैलकुलेशन वो कर रहा है साइज ऑफ शेप के साथ जो पैरामीटर है ड्रॉ शेप्स में इट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप शेप स्क्रीन के ऊपर आप राइट हैंड साइड पे देखिए लाइन एरे का मेमोरी व्यू आपको दिखाया गया है सॉलिड लाइन के साथ लाइन का ऑब्जेक्ट डिराइव कर रहा है इन डिराइव uh, कर रहा है शेप के ऑब्जेक्ट से इसके अपने दो डेटा मेंबर्स भी हैं पॉइंट के दो पॉइंट होते हैं लाइन के सो so लाइन के ऑब्जेक्ट का साइज शेप के ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए आप स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे देख रहे हैं कि इसका पहला एलिमेंट लाइन का 00 एड्रेस पे पड़ा हुआ है दूसरा एलिमेंट एड्रेस 15 पे पड़ा हुआ है क्योंकि साइज ऑफ ए लाइन ऑब्जेक्ट यहां पर हम पंद्रह ज्यूम कर रहे हैं तीसरा ऑब्जेक्ट तीस पे पड़ा हुआ है चौथा ऑब्जेक्ट पैंतालीस पे पड़ा हुआ है तो जब लाइन का ऑब्जेक्ट लाइन का एरे पास किया गया ड्रॉ शेप्स के मेथड को तो जब उसने जीरो एलिमेंट पे कैलकुलेशन की अंडरस्कोर शेप जीरो डॉट ड्रॉ तो जब कंपाइलर ने कैलकुलेशन की तो वो कैलकुलेशन थी जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ शेप तो वो तो ठीक आ गया जो आप जीरो जीरो और शेप का मैथड कॉल हो गया क्योंकि टाइप ऑफ रे जो थी वो ऑब्जेक्ट थी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट नहीं थी रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट नहीं थी पोलिमोफिज्म सिर्फ एक्ट करता है पॉइंटर और रेफरेंस के ऊपर यह ना पॉइंटर है यह ना रेफरेंस है यह ऑब्जेक्ट था तो इसलिए शेप का ड्रॉ मेथड कॉल हुआ और उसने शेप प्रिंट कर दिया उसके बाद जब फॉर का लूप सेकेंड जनरेशन में आया आ, जो फंक्शन कॉल थी वो ये थी अंडरस्कोर शेप वन डॉट ड्रॉ एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका मेथड कॉल होना है जब ये आखिरी लाइन वाली कैलकुलेशन हुई तो रिजल्ट निकला अंडरस्कोर शेप जीरो जीरो प्लस आई वन मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ शेप साइज ऑफ शेप इज टेन जीरो प्लस टेन टेन एड्रेस टेन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका मैथड ड्रॉ करो रे तो लाइन की भिजवाई गई थी सो so लाइन की एरे में कंपाइलर दसवें एलिमेंट के ऊपर गया सॉरी रन टाइम एनवायरमेंट एड्रेस टेन पे गया और वहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है लाइन का या एड्रेस जीरो के ऊपर या एड्रेस फिफ्टीन के ऊपर एड्रेस टेन के ऊपर रन टाइम के ऊपर कोई वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसलिए रन टाइम एनवायरमेंट एबनॉर्मली टर्मिनेट करके ये है जो के अंडरलाइंग हो रहा है इसीलिए जो टॉपिक था वो ये था नेवर ट्रीट अरेज पोलिमोफिकली अगर आप चाहें तो ऐसे यू भी कर लीजिए नेवर ट्रीट ए ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोलिमोफिकली पोलिमोफिज आपने जहां पे यूज करना है हमेशा आपने पॉइंटर्स या रेफरेंस यूज करने हैं चाहे एक पॉइंटर या एक रेफरेंस कीजिए या एरे ऑफ पॉइंटर्स यूज कीजिए या एरे ऑफ रेफरेंस यूज कीजिए नेवर यूज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट यू शुड ऑलवेज यूज पोलिमोफिज विद पॉइंटर इस तरह मॉडिफाई कीजिए अपने ड्रॉ शेप को उसके पैरामीटर को बजाय शेप ऑफ ऑब्ज ऑफ ऑब्जेक्ट के दे मस्ट बी एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट और अब आप इसे यूज कर सकते ऑफ़ कोर्स अब आप जो इसे एरे पास करेंगे लाइन का वो भी मॉडिफाइड होना चाहिए जो पिछला कोर्स नाइप था वो ठीक काम नहीं करेगा एरे ऑफ पॉइंटर्स टू लाइन अगर होगा तो ठीक काम करेगा वरना नहीं काम करेगा आइए अब देखते हैं कि जब एरे ऑफ पॉइंटर्स हो तो तब पोलिमोफिज है वो क्यों ठीक एक्ट करती है देट इज वाई एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट एक्ट करेक्टली वेर एज रे ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्ट करेक्टली सो ये आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं डायाग्राम पिक्चर सी, ये कोरिस्पॉन्ड कर रही है उस ड्रॉ शेप कोड में जिसका पहला पैरामीटर जो है वो है अरे ऑफ पॉइंटर्स टू शेप और आप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड पे देखिए है, वो हमने अरे ऑफ पॉइंटर्स टू शेप दिखाया है मेमोरी में कैसे है इसको जो पैरामीटर पास किया जा रहा है वो है ए रे ऑफ पॉइंटर्स टू लाइन्स पैरामीटर की अपनी टाइप जो है वो है अरे ऑफ पॉइंटर्स टू शेप लेकिन जब ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है और जो उसे आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है आर्ग्यूमेंट में जो पहला आर्गूमेंट है वो है ए रे ऑफ प्वाइंटर्स टू लाइन्स लेकिन पैरामीटर में जो फंक्शन है उसमें जो चीज नजर आ रही है वो प्वाइंटर्स है पॉइंटर्स किसी टाइप के हों उनको एक ही जि, जितनी जगह चाहिए होती है चाहे पॉइंटर टू एंट हो चाहे पॉइंटर टू फ्लोट हो चाहे पॉइंटर टू कुछ हो उसको बेसिकली एक जितनी जगह ही चाहिए है पॉइंटर खुद से होल्ड क्या करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और वेरिएबल इज गिवन लाइफ जिस जगह पे उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट की गई है उस मेमोरी का एड्रेस इस पॉइंटर में पड़ा होता है तो अगर 32 बिट की मशीन्स हैं, जैसा कि ये पी फोर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए फोर बाइट्स चाहिए मेमोरी में तो हर पॉइंटर फोर बाइट्स का हो तो आप लेफ्ट के ऊपर जो देख रहे हैं उसमें बेसिकली पॉइंटर के लिए जगह पहला पॉइंटर जो है वो एड्रेस जीरो जीरो पे स्टार्ट हो रहा है दूसरा एड्रेस फोर पे तीसरा एट पे चौथा ट्वेल्व और ये प्वाइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वहां पे लाइन वन पड़ा है लाइन टू पड़ा है लाइन थ्री पड़ा है और ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स है लाइन के ऑब्जेक्ट्स है ये कंटिग्यूअस मेमरी में नहीं पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स कहीं भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है वो क्योंकि एरे जो है वो प्वाइंटर्स की है प्वाइंटर्स के लिए कंटिग्यूस मेमरी लोकेशन होना जरूरी है क्योंकि इट इज एन एरे ऑफ प्वाइंट और स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं वो दैट इज दैट एरे अरे ऑफ प्वाइंट अब चाहे वो आप लाइन के अरे को पास कर रहे हो प्वाइंटर टू लाइन का एरे पास कर रहे हो प्वाइंटर टू सर्कल का एरे पास कर रहे हो या प्वाइंटर टू एनी क्लास जो शेप से डिराइव है उसका एरे पास करोगे तो स्क्रीन जो मेमरी होगी एलोकेशन एरे के लिए होगी वो वही है जो आप स्क्रीन के ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं अब आप कैलकुलेशन करेंगे पोलिमोफिकली ड्रॉ का मेथड कॉल करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन के एंड पे देखिए इस किस्म की कुछ हरकत हो रही होगी सेकंड लास्ट लाइन स्क्रीन के बॉटम में ये कॉल है अंडरस्कोर शेप आई पॉइंटर के जरिए उसका ड्रॉ का मेथड कॉल कर रहे हैं कंपाइलर जो कैलकुलेशन करेगा वो आप नीचे देखिए मैं सिर्फ आपको जो येलो में चीज है मैं चाह रहा हूँ की आप उस पे कैल कीजिए की जो कैलकुलेशन हो रही है वो साइज ऑफ शेप स्टा है यहाँ पे जो चीज रिटर्न होगी वो फोर रिटर्न होगी हालांकि हमने जो एरे भिजवाया था वो एरे था एरे ऑफ प्वाइंटर्स टू लाइन यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन कर रहा है वो साइज ऑफ शेप प्वाइंटर कर रहा है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्वाइंटर जिस मर्जी टाइप का हो वो हमेशा एक ही वैल्यूज रिटर्न करेगा और बत्तीस बिट की मशीन के लिए वो चार होट इज फोर बाइट तो यहाँ पे कंपाइलर ने तो साइज ऑफ शेप स्टार लगाया हुआ है, है लेकिन इंसिडेंटली दी साइज ऑफ शेप स्टार इज इक्वल टू साइज ऑफ लाइन स्टार इसलिए कोई मसला नहीं होगा कैलकुलेशन so, बिल्कुल ठीक काम करेंगे अंडर स्कोर शेप प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ शेप प्वाइंटर अगर आप आई इज इक्वल टू टू है रे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर आप जाके ड्रॉ का मेथड कॉल करना चाह रहे हैं तो अंडरस्कोर शेप जीरो जीरो को पॉइंट कर रहा होगा प्लस आई आई में दो पढ़ा होगा मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ शेप स्टार फोर होगा फोर इंटू टू एट एट प्लस जीरो एट जो आप आएगा मेमोरी एड्रेस एट के ऊपर जो पॉइंटर पढ़ा हुआ है वो जिस ऑब्जेक्ट को प्वाइंट कर रहा है उसका ड्रॉ मैथड कॉल कर लो मेमोरी लोकेशन 8 के ऊपर जो पॉइंटर है वो लाइन 3 को पॉइंट कर रहा है अंडरस्कोर लाइन 3 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका ड्रॉ मेथड कॉल हो जाएगा इस वजह से लाइन के ड्रॉ मेथड कॉल होंगे कोड स्नाइपर ठीक काम कर जाएगा ठीक काम सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एरेज एंड यू वॉन्ट टू ट्रीट दैम पोलीमोफिकली प्लीज ऑलवेज चूज अरे ऑफ प्वाइंटर्स और एरे ऑफ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स नेवर यूज ए रे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोलिमोफिकली इन अदर वर्ल्ड नटशल में ये ये तो एक इंप्लीमेंटेशन है अंडरलाइन चीज ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो एरे में है और उनके ऊपर इंडेक्स की कैलकुलेशन हो रही हैं जिसकी वजह से जब आप एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे जा रहे हैं तो वो एक्चुअली साइज के बीच में कैलकुलेशन आ रही है इंडेक्स और पॉइंटर की कैलकुलेशन आ रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमेशा गलत जवाब आएगा लेकिन अगर वो पॉइंटर्स हैं या रेफरेंस हैं तो आपका जवाब ठीक आएगा सो नेवर ट्रीट ए ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोलिमोफिकली इसके साथ ही हम आज के लेक्चर के अख्ताम पर पहुंचते हैं आइए हम जो कुछ आज पढ़ा उसका क्विक ओवरव्यू कर लें। आज हमने केस स्टडी से स्टार्ट किया कैसे हम पोलिमोफिजम को इनैक्शन देख सकते हैं और वो हमने एम्प्लॉज की हायरारकी देखी एम्प्लॉ सेड एम्प्लॉ आवरली एम्प्लॉय कमीशन एंप्लॉय और उसमें हमने कैसे इन सबकी सैलरी की uh, कैलकुलेशन पोलिमोफिकली की और जवाब ठीक आ गया दूसरा मेजर टॉपिक जो हमने कवर किया वो ये है कि हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पोलिमोर्फिकली ट्रीट नहीं करना चाहिए और उसको हमने बहुत डिटेल में देखा प्रॉब्लम आता है कि अगर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और हम एरे के एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे जाएं तो कंपाइलर अंडरनीथ प्वाइंटर्स की कैलकुलेशन करता है कि पॉइंटर इस वक्त एरे के एक के उपर, इंडेक्स के ऊपर किसी आयत इंडेक्स के ऊपर अगर पॉइंट कर रहा है और उसने उससे अगले इंडेक्स आई प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है तो किसी ना किसी तरह कंपाइलर को पता होना चाहिए कि अगला ऑब्जेक्ट एरे में स्टार्ट कहां से हो रहा है अगला ऑब्जेक्ट एरे में वहां से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट ऑफ द आयत ऑब्जेक्ट प्लस द साइज ऑफ द आईएथ ऑब्जेक्ट इन दो को जब ऐड करेंगे तो i प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंचेंगे एरे में। अब कंपाइलर को कैसे पता चल रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है जो कि आयत लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो सीधा सीधा जाके देखता है इस एरे की कि ऑब्जेक्ट टा, की, की टाइप क्या है और अगर ऑब्जेक्ट की टाइप शेप है तो वो शेप के ऑब्जेक्ट का साइज ले लेगा और अगर जो लाइन इससे ड्रॉ कर रहा है उसका साइज डिफर कर जाता है सेज के शेप के ऑब्जेक्ट से तो ये सारी एरे की कैलकुलेशन खराब हो जाएगी और आपको रन टाइम के ऊपर एब टर्मिनेशन की सिचुएशन दो चार हो जाएगी हाँ अगर पॉइंटर्स हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स हैं तब मसला नहीं होगा क्योंकि कोई भी पॉइंटर हो चाहे बेल्ट इन टाइप का हो या यूजर डिफाइन टाइप का उसका साइज एक ही है और 32 टू मशीन के लिए नॉर्मली चार बाइट ही होता है चाहे एरे ऑफ पॉइंटर टू एंट हो चाहे पॉइंटर टू फ्लो हो पॉइंटर टू करेक्टर हो पॉइंटर टू शेप हो प्वाइंटर टू लाइन हो प्वाइंटर टू सर्कल हो यह सब एक ही जितनी मेमरी कंज्यूम करते हैं मेमरी में इनकी जब कैलकुलेशन होगी एरे ऑफ प्वाइंटर के इंडेक्स आई से आई प्लस वन पे जाना है चाहे वो एरे ऑफ एंडस हों चाहे वो एरे ऑफ फ्लोर्ड्स हों चाहे वो एरे ऑफ लाइन हो कैल्कुलेशन ठीक हो, होती है आई एथ इंडेक्स आई प्लस वन इंडेक्स पे चले जाते हैं इस वजह से पोलियमोफिज्मीक एक्ट करता है यही एक चीज थी एक खास पॉइंट था जो कि मैं आपको जहन नशीन करवाना चाहता था इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज